कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के फैसले के बाद भी आंदोलन नहीं होगा खत्म। जी हां, पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस लेने की घोषणा कर दी है। पिछले काफी समय से चल रहे किसान आंदोलन का अब क्या होगा? कृषि कानूनों की वापसी के बाद आगे किसान क्या करेंगे, अब इसका फैसला भी हो ही गया है। जानकारी के मुताबिक आंदोलनकारी किसान शनिवार यानी 20 नवंबर को मीटिंग करेंगे, लेकिन इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन तत्काल वापस नहीं जाएंगे और किसान आंदोलन अभी वापस नहीं होगा। आंदोलन तब तक वापस नहीं होगा जब तक संसद में कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत करे। बताया जा रहा है कि किसान संगठन अब शनिवार को बैठकर आगे की रणनीति बनाएंगे। किसान संगठनों ने कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का फैसला किया गया है। पीएम मोदी ने आज ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। इसके बाद किसान आंदोलनकारियों के बीच हलचल मच गई है। किसानों ने कहा है कि वो खुश हैं, किसानों की जीत हुई है। फैसले के बाद किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आपको बता दें कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब एक साल से आंदोलन कर रहे थे। किसान कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े थे। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन हर बार वार्ताएं असफल रही। किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 नवंबर के बाद नए सिरे से आंदोलन को तेज करने को कहा था। इससे पहले ही सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने का ऐलान कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।